ध्वनि भाग एक। ध्वनि का उत्पादन तथा संचरण। इस वीडियो में हम ध्वनि यानी साउंड के उत्पादन तथा संचरण के बारे में जानेंगे। चिड़ियों के चहकने की आवाज से लेकर दौड़ती गाड़ियों की आवाज तक हम चारों ओर अलग अलग तरह की ध्वनि से घिरे हुए हैं। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो एक माध्यम में यात्रा करती है और हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जब तुम हाथों से ताली बजाते हो तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या तुम बता सकते हो कि इस स्थिति में कौन सी ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित हो रही है? क्या तुम जानते हो कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है या नहीं, या ध्वनि का संचरण कैसे होता है? अब इन सवालों के जवाब जानने के लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं। एक स्वरित्र द्विभुज और रबर पैड लो। स्वरित्र द्विभुज की एक भुजा को रबर पैड पर मारो और इसमें कंपन कराओ। अब स्वरित्र द्विभुज को अपने कान के पास ले जाओ और अपनी उंगलियों से इसकी एक भुजा को छुओ। तुमने क्या सुना और स्वरित्र द्विभुज की भुजा को छूने पर तुम्हें कैसा महसूस हुआ? पिछले उदाहरण में हमने वस्तु में कंपन कराकर ध्वनि का उत्पादन किया था। क्या एक वस्तु में बिना कंपन कराए ध्वनि का उत्पादन किया जा सकता है? कंपन से वस्तु में आगे पीछे तीव्र गति होने लगती है। वाक् तंतुओं में कंपन के कारण मनुष्य में वाक् ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या तुमने मधुमक्खियों की भिनभिनाहट सुनी है? तुम्हें क्या लगता है ये भिनभिनाहट की आवाज कैसे उत्पन्न होती है? अब कंपन से ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है ये समझने के लिए हम एक आसान सा क्रियाकलाप करते हैं। एक रबड़ बैंड लो और इसे खींचो। अब इसे खींचकर छोड़ दो। तुम देखोगे कि बैंड कंपन करने लगता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। लेकिन ध्वनि तुम्हारे कानों तक कैसे पहुंचती है? ध्वनि मूल बिंदु से सुनने वाले बिंदु तक यात्रा करती है और ऐसा करने के लिए इसे एक माध्यम की जरूरत होती है। द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है माध्यम कहलाता है। ये माध्यम ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। जैसे ही वस्तु में कंपन होता है तो ये इसके चारों ओर मौजूद कणों को कंपमान कर देती है। एक कंपमान वस्तु के संपर्क में आने वाली वस्तु के कण अपनी संतुलित अवस्था से विस्थापित हो जाते हैं और ये अपने पड़ोसी कणों पर बल लगाते हैं और उन्हें संतुलित अवस्था से विस्थापित कर देते हैं। अपने पड़ोसी कणों को विस्थापित करने के बाद प्रारंभिक कण अपनी मूल अवस्था में वापस चले जाते हैं। माध्यम में ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक ध्वनि हमारे कानों तक न पहुंच जाए। इस प्रकार ध्वनि एक विक्षोभ है जो एक माध्यम में गति करती है जब माध्यम के कण अपने पड़ोसी कणों को गतिमान बना देते हैं।
ये कण माध्यम के दूसरे कणों में समान गति उत्पन्न करते रहते हैं। किसी ध्वनि द्वारा उत्पन्न ये विक्षोभ माध्यम में संचरण करता है, लेकिन माध्यम के कण गति नहीं करते। यही सब ध्वनि के संचरण में होता है और इसलिए इसे एक तरंग के रूप में देखा जा सकता है। ध्वनि तरंगे माध्यम के कणों की गति द्वारा उत्पन्न की जाती है और यांत्रिक तरंगे कहलाती है। ध्वनि संचरण के लिए सबसे अधिक सामान्य माध्यम वायु है। जब एक कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो अपने सामने की वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती है, जिससे उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र को संपीड़न कहा जाता है। ये संपीड़न कंपमान वस्तु से दूर आगे की ओर गति करता है। जब कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो इससे एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे विरलन कहा जाता है। एक कंपमान वस्तु की आगे और पीछे की गति से वायु में संपीड़न तथा विरलन की एक श्रेणी बन जाती है, जिससे ध्वनि तरंगे माध्यम में संचरण करती हैं। संपीड़न उच्च दाब का क्षेत्र है, जबकि विरलन निम्न दाब का क्षेत्र है। यहां दाब किसी माध्यम के दिए गए आयतन में कणों की संख्या है। जब कणों का घनत्व अधिक होता है तो दाब भी अधिक होता है। इसी प्रकार जब कणों का घनत्व कम होता है तो दाब भी कम होता है। इसलिए किसी माध्यम में ध्वनि के संचरण को हम किसी माध्यम में घनत्व परिवर्तन या दाब परिवर्तन के संचरण के रूप में देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने ध्वनि यानी साउंड के उत्पादन तथा संचरण के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम ध्वनि तरंगों के बारे में जानेंगे।